हेलो गाइस, तो एक और रिक्रूटमेंट सीबीएसई दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आई है। बहुत ही अच्छी जॉब है और ये लास्ट डेट है इसकी, यानी कि आप कह सकते हैं 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो इसको अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या किस पोस्ट पे है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियो आ सके आपको सबसे पहले और सबसे आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास वीडियो है यहाँ पर हमारे तरफ से आ रही है, लास्ट रिमाइंडर है ये आपका सीबीएसई की तरफ से है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका असिस्टेंट की पोस्ट निकल रखी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट निकल रखी है। ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप ए की पोस्ट है। लेवल अगर आप देख सकते हो, पे लेवल 10 है, यानी कि अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर आपको मिलेगी मिलेगी पर मंथ 1 लाख से अबव सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी है स्किल एजुकेशन में, असिस्टेंट सेक्रेटरी है ट्रेनिंग में। उसके बाद है आपका अकाउंट ऑफिसर, जो कि आपका पे लेवल 10 के अंदर आता है। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिख रखी है, देखिए मैक्सिमम एज भी काफी अच्छी है, 30 35 30 30 35, राइट। ग्रुप बी के अंदर आपकी है जूनियर इंजीनियरिंग की, ज्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफिसर की, अकाउंटेंट की ग्रुप सी के अंदर है, और जूनियर अकाउंटेंट की ये भी आपकी ग्रुप सी के अंदर है। क्या क्या पोस्ट है ये आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट देख सकते हैं। एक पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के अंदर। जूनियर इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है, अकाउंटेंट में एक पोस्ट है, और जूनियर अकाउंटेंट में एक पोस्ट है, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए में, राइट। ये है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी ये है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप टोटल सीट्स भी देख सकते हैं, 18 16 8 22 3 17, राइट। पे लेवल ए की अगर हम बात करें तो पे लेवल ए में हमेशा जो आपकी स्किल्स के ऊपर जो आपको सैलरी मिलती है दैट विल बी +1 लाख रुपीज, ओके। अब देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए इसके लिए। अगर हम बात करें, देखिए जब हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी की भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी की भी यहाँ पर सीट है, राइट। फिजिकल एजुकेशन से ऊपर मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टेट्स, टोटल 16 सीट्स हैं आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स के अंदर। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से आपके आ रहे हैं कोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विथ AI, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन, BFSI एंड मार्केटिंग, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, सब में आपकी एक है, किसी में दो दो पोस्ट है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिजर्वेशन जो आपका नॉर्मली रहता है आप उसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे 5 साल आपका SC ST को रहता है, OBC को आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लास्ट डेट है इसकी 11 अप्रैल, यानी कि कल। अभी भी आपके पास दिन है, एक दिन है आपके पास, आप इसे बहुत ही जल्दी भर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है फॉर्म भरना, राइट। आप विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स के अंदर इसे भर सकते हैं, ओके। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन के बाद कि उन्होंने मांगा क्या है। देखिए सबसे पहले जो आपकी ए ग्रुप की है असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांग रखी है, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से। मैक्सिमम एज भी अगर आप देखोगे सिर्फ 35 है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास विथ BEd प्लस नेट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए। तो जिन बच्चों के जो साइकोलॉजी से है पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो बच्चों जिन उन बच्चों के पास अगर BEd भी है प्लस नेट है तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए भी एप्लीकेबल हो। डिजायर है MEd, MPhil, राइट, बट ये डिजायरेबल है, इसेंशियल आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक मौका निकला हुआ है, पे ग्रेड आपका ए है। व्हाट डज दैट मीन, दैट इज अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है साइकोलॉजी बच्चों के लिए तो 1 लाख रुपए से ऊपर की यहाँ पर सैलरी मिलेगी। दूसरा है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिग्री के अंदर। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर भी अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर क्या है, 30 है यहाँ पर। और अगर ऊपर वाले में हम देखें असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स में भी आपकी एज कितनी थी, 30, बट अगर हम असिस्टेंट सेक्रेटरी में देखेंगे तो एज कितनी थी, 35, ओके, इस बात का ध्यान रखना है। अनदर ग्रुप है असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये स्किल था, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, BEd होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट। आप ट्रेनिंग के अंदर देखोगे, अब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ट्रेनिंग के अंदर आप अगर आप देखोगे स्किल में ये ट्रेनिंग, अगर इन सब्जेक्ट्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकेडमिक्स में आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आप यहाँ पर ये जो टोटल सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से अगर आपके किसी के पास इनमें से आपके पास PG डिग्री है, अगर यहाँ वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है
जिसमें आपके पास पीजी डिग्री है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर उर्दू नहीं लिखा हुआ है और उर्दू में आपके पास पीजी डिग्री है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पर्टिकुलर जब आप पोस्ट को भरे तो उसके में ये देख लीजिए क्या वो कोर्स एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। स्किल्स वालों की भी हमने बात करी, तो स्किल में भी आपसे क्या मांगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमें ऊपर देखे, बीएड होनी चाहिए उसके साथ साथ, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इज 30, आई थिंक सबके लिए अब 30 कर दी गई है, काफी ज्यादा कुछ ही पोस्ट है जिसमें आपको 35 माने जाते हैं। अकाउंट ऑफिसर की भी यहाँ पर दे रखी है, बैचलर डिग्री आपसे मांग रखी है, अगर आप फाइनेंस या फिर कॉमर्स साइड से, इकोनॉमिक्स साइड से, अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप अकाउंट ऑफिसर की तरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास पीजी डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से जिसके अंदर आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इको, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास आपने एमबीए कर रखी है फाइनेंस से, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, आईसीडब्ल्यूए कर रखे हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है आपकी 35, ये भी अकाउंट ऑफिसर की ग्रुप ए की पोस्ट है, राइट। अब आते हैं ग्रुप बी की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने मांग रखा है बीई बीटेक, क्योंकि जूनियर इंजीनियरिंग है तो यहाँ पर बीई बैचलर इन एजुकेशन और बैचलर इन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है यहाँ पर, राइट। तो जिन बच्चों के पास सिविल इंजीनियरिंग के अलावा अदर स्ट्रीम होती है जैसे कंप्यूटर, मैकेनिकल, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, एज 32 ईयर्स है, राइट। या फिर आपके पास क्या हो, देखिए यहाँ पर एसेंशियल में आपके पास क्या बता रहा है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द बैचलर डिग्री लेवल। तो आप ये जूनियर ट्रांसलेशन में बेसिकली आपसे क्या मांगा हुआ है, हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा हो या फिर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो मास्टर डिग्री के अंदर। मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है यहाँ पर, 35, ओके। अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट में देख लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रखे हैं, लेकिन चूंकि अकाउंटेंट है तो यानी कि कॉमर्स सेक्शन से रिलेटेड आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, प्लस उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 पर मिनट हिंदी के अंदर ऑन कंप्यूटर। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, टाइपिंग स्पीड है आपके पास होनी चाहिए 35 पर मिनट और इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में होनी चाहिए 35 आपकी इंग्लिश में और 30 आपकी हिंदी में। 12th क्लास से हो जूनियर अटेंडेंट में, जूनियर अकाउंटेंट में, बट आपके पास क्या हो, 12th क्लास में कॉमर्स का एक सब्जेक्ट हो, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को जैसे कि मैंने आपको बताया 5 साल का है, राइट। ओबीसी को 3 साल का है, बाकी पीडब्ल्यूडी को 10 का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल को 13 ईयर का है, सो एन एंड सो फोर्थ। अब फीस भी देख लेते हैं, लास्ट डेट का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, सिर्फ आज आपका दिन है, कल तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सीबीएसई की बहुत ही अच्छी जॉब है, ग्रुप ए में आपको 1 लाख प्लस मिलेंगे, ग्रुप बी में अराउंड 60 प्लस मिलेंगे, ग्रुप सी में अराउंड 40 to 50 के अराउंड आपको इजिली पर मंथ की सैलरी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग, अगर आप फॉर्म भरते हैं ग्रुप ए में फॉर्म भरते हैं तो 1,500 रुपए का फॉर्म है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में भरते हैं तो आपको 800 रुपए यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए या फिर सीबीएसई के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं है, राइट। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम क्या होगा, देखिए जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, बिकॉज अब देखिए 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ आपको दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स भी दे विल सी। 2 टायर होंगे, पहले आपका एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू में आपके 6 पार्ट आएंगे, करंट अफेयर, जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स आपका आएगा, रीजनिंग आपकी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और कंप्यूटर की नॉलेज होगी। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का यहाँ पर पहला टायर होगा और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होगा। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स 150 मिनट में, 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, राइट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हो फिर आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा जिसके अंदर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन लिखना होगा। रिटर्न में आप देखिए एसे राइटिंग क्या रखा है यहाँ पर कि आपको एसे राइटिंग लिखनी पड़ेगी, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नमेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके ऊपर भी आपका पार्ट 3 में 40 मार्क्स का है यहाँ पर देखिए, राइट। तो 40 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर आपको रिलेटेड टू द पोल साइंस और पॉलिटी यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो टायर 2 में आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, पार्ट 1 में भी आपके करंट अफेयर आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आ रही है आपकी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिशियन, साइंटिफिक के लिए ये सारी चीजें आपकी आ रही है, राइट। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये अकॉर्डिंग टू योर जॉब रेफरेंस कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम हर एक के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, राइट।
मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां जाके भी आप इसे डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो जरूर भर दीजिए, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें ताकि कभी भी लेट ना हो जाए। जैसे कि आज हम दे रहे हैं आपको रिमाइंडर, कल इसकी लास्ट डेट है। अगर जो बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा होगा उनके लिए ये क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉर्ट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।